हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके मोबाइल का जो फ्रंट कैमरा है, ये जो फ्रंट कैमरा है वो आपका वर्क नहीं कर रहा है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल के फ्रंट कैमरे को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो कैमरा ऐप है, इसको जब भी आप ओपन करते हैं तो आपको फ्रंट कैमरे में ब्लैक स्क्रीन या फिर आपका जो कैमरा ऐप है वो ओपन नहीं हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस प्रॉब्लम को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो कैमरा है वो ओपन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको जो पावर बटन है उसको थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखना है। यहाँ पे प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस निकल के आएंगे। यहाँ पे आएगा पावर ऑफ का और रीस्टार्ट का। तो सिंपल से आपको यहाँ पे रीस्टार्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ से अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करना है और रीस्टार्ट करके रख देना है। एक मिनट बाद आपका जो मोबाइल है वो ऑटोमेटिकली या फिर आपके मोबाइल की प्रोसेसिंग के हिसाब से रीस्टार्ट होगा आपका मोबाइल और ओपन हो जाएगा। आपको सिर्फ रीस्टार्ट करना है अपने मोबाइल को, ऑटोमेटिकली आपका जो मोबाइल है वो ओपन हो जाएगा। मोबाइल के ओपन होने के बाद अब आपको क्या करना है, कैमरे को ओपन करना है। अगर आपका कैमरा ऐप ओपन हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है और नीचे आने के बाद ऐप्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा एक ऐप मैनेजमेंट का। सिंपल से आपको इस ऐप मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके डिवाइस के एप्लीकेशन जितने भी होते हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सिंपल से आपको यहाँ पे कैमरा सर्च कर लेना है या फिर यहाँ पे आपको कैमरा ऐप दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो कैमरा ऐप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे स्टोरेज पे क्लिक कर देना है और यहाँ से क्लियर ऑल डाटा करना है। क्लियर ऑल डाटा करने के बाद यहाँ से ओके कर देना है। दोस्तों, आपके जो कैमरा ऐप का जो डाटा है वो क्लियर हो चुका है। एक बार ऐप को यहाँ से फोर्स स्टॉप कर देना है। इतना करने के बाद आपको बैक चले जाना है और अपने कैमरे को ओपन करना है। जैसे ही आप कैमरा ओपन करेंगे, परमिशंस वगैरह मांगी जाएगी आपसे और आपका जो कैमरा है वो वर्किंग पोजीशन में आ जाएगा और आपका जो कैमरा है वो सही से वर्क करने लगेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी न्यू लेटेस्ट वीडियो के साथ।